कल वाणी चल रही थी 13 फरवरी 1967। ओम शांति। यस्टरडे द वाणी ऑफ द 13 फरवरी 1967 वॉज बीइंग नरेटेड। तीसरा पेज में बात चल रही थी। द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड ऑन द थर्ड पेज वॉज दूर देश का मुसाफिर निराकार देश से आए हैं। द ट्रेवलर ऑफ अ फार ऑफ लैंड हैज कम फ्रॉम द इनकॉर्पोरियल लैंड। आयरन एज दुनिया काले शरीर में आकर के इनको फिर गोरा बनाते हैं। ही कम्स इन द आयरन एज वर्ल्ड एंड अ डार्क बॉडी एंड देन मेक्स हिम फेयर। आयरन एज दुनिया क्यों कहा? Why was it called the world of the Iron Age? सत्युग को कहते हैं गोल्डन एज, सुनहरी दुनिया। सत्युग इज कॉल्ड द गोल्डन एज, द गोल्डन वर्ल्ड। त्रेता को कहते हैं सत्युग इज कॉल्ड द गोल्डन एज, द गोल्डन वर्ल्ड। चांदी की दुनिया। त्रेता इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ सिल्वर। द्वापर इज कॉल्ड द कॉपर एज। द्वापर को कहते हैं कॉपर एज। द्वापर इज कॉल्ड द कॉपर एज। और कलयुग को आयरन एज क्यों कहा? एंड वाई इज कलयुग कॉल्ड द आयरन एज? समवन सेड समथिंग। हाँ, क्योंकि काला रंग जो है तमो प्रधानता का सूचक है। यस, इट इज बिकॉज द ब्लैक कलर इज द साइन ऑफ द तमो प्रधान स्टेज। आयरन एज दुनिया में आते हैं और काले ते काले शरीर में आते हैं। ही कम्स इन द आयरन एज वर्ल्ड एंड इन द डार्केस्ट बॉडी। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर मंदिर में गोरी मूर्तियां हैं। इन द दिलवाड़ा टेम्पल देर आर फेयर आइडल्स इन द टेम्पल ऑन टॉप। ऊपर ऊपर माने दिलवाड़ा मंदिर जो असली है सफेद मूर्तियों वाला, उसकी बात कर रहे हैं। ऑन टॉप मीन्स इट इज सेड अबाउट द ओरिजिनल दिलवाड़ा टेम्पल विच हैज फेयर आइडल्स इन इट। उसमें छत में गोरी मूर्तियां हैं और बीच में जो मूर्ति रखी है वो भी गोरी है। इन इट देर आर फेयर आइडल्स ऑन द सीलिंग एंड द आइडल दैट हैज बीन प्लेस्ड इन द मिडल इज ऑल्सो फेयर। लेकिन नीचे की ओर कॉर्नर में काला देव बैठा हुआ है। बट द डार्क डीटी काला देव इज सिटिंग बिलो इन अ कॉर्नर। और ऊपर की तरफ एक दूसरा मंदिर है, उसमें सारी ही काली मूर्तियां। एंड देर इज वन मोर टेम्पल ऑन टॉप वेयर ऑल द आइडल्स आर डार्क। तो काला शरीर तामसी दुनिया का सूचक हुआ। सो द डार्क बॉडी इज द सिंबल ऑफ द डिग्रेडेड दैट इज तामसी वर्ल्ड। तामसी दुनिया में पुरुषार्थ भी तामसी हो जाता है। द पुरुषार्थ दैट इज स्पिरिचुअल एफर्ट ऑल्सो बिकम्स डिग्रेडेड इन द डिग्रेडेड वर्ल्ड। जैसे यहाँ बताया कि जो आत्मा नई नई ज्ञान में आती है तो सात्विक स्टेज में होती है, सात्विक को पुरुषार्थ करती है। जस्ट एज इट वॉज सेड हियर दैट अ न्यू सोल हु कम्स इन नॉलेज इज इन अ प्योर दैट इज सात्विक स्टेज, इट मेक्स सात्विक पुरुषार्थ। फिर ज्ञान लेने के बाद धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और अंत में तमो अवस्था हो जाती। देन आफ्टर टेकिंग द नॉलेज इट ग्रेजुअली पासेस थ्रू द सतो प्रधान सतो सामान्य रजो स्टेजेस एंड फाइनली द स्टेज बिकम्स तमो। कोई कितना भी मेहनत करे, कितनी भी ताकत लगाए, नो मैटर हाउ हार्ड समवन वर्क्स और यूजेस हिज स्ट्रेंथ, फिर भी जो आदि वाला पुरुषार्थ है वो यादगार मात्र रह जाता है। द पुरुषार्थ दैट ही हैज डन इन द बिगिनिंग रिमेन्स जस्ट अ मेमोरी। और वो तीखी अवस्था नहीं बन पाती। द स्टेज डजंट बिकम दैट स्ट्रांग। ऐसे क्यों होता है? वाई डज इट हैपन सो? शूटिंग पीरियड में भी ऐसे होता है और ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे होता है। द सेम थिंग हैपन्स इन द शूटिंग पीरियड एज वेल एज इन द ब्रॉड ड्रामा। ऐसे होने का कारण क्या हुआ? वॉट इज द रीजन फॉर दैट?
अनेक आत्माओं का संग का रंग लगते लगते सुख भोगते भोगते बाई बीइंग कलर्ड बाई द कंपनी ऑफ मेनी सोल्स एंड बाई एंजॉइंग प्लेजर्स इंद्रियों में कालिमा आ जाती, क्योंकि आत्मा ही काली बन जाती। ब्लैक कम्स इन द इंद्रिया बिकॉज द सोल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म इंद्रिया एंड द सेंस ऑफ द बॉडी बिकॉज द सोल फॉर्म्स एक्शन बिकम्स डार्क एंड द सेंस ऑर्गन्स। तो बाप आकर ऐसी आयरन एज दुनिया को काले शरीरों को गोरा बनाते हैं। सो द फादर कम्स एंड मेक सच आयरन एज वर्ल्ड एंड डार्क बॉडीज फेयर। अभी बाप कहते हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। नाउ द फादर सेज यू हैव टू बिकम सतो प्रधान अगेन। इसके लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फॉर दिस रिमेम्बर मी देन योर रॉन्ग एक्शंस विल बी डिस्ट्रॉयड और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। एंड यू विल बिकम द मास्टर्स ऑफ विष्णुपुरी मीनिंग द अबोर्ड ऑफ विष्णु। कैसी पुरी के मालिक बन जाएंगे? यू विल बिकम द मास्टर्स ऑफ विच अबोर्ड? विष्णु का मिसाल क्यों दिया? Why was the example of Vishnu given? कलयुग को विष्णुपुरी क्यों नहीं कहा जाता? Why is the Iron Age not called the Vishnupuri? सतयुग को विष्णुपुरी क्यों कहा जाता? Why is the Golden Age called Vishnupuri? कलयुग में कोई स्त्री पुरुष का जोड़ा ऐसा नहीं है जिसकी मनसा वाचा कर्मणा टकराती न हो। इन द आयन एज there is not even a single couple whose mind, speech and actions don't clash with each other. तो विष्णु कैसे कहे जाएंगे? Then how will they be called Vishnu? विष्णु में तो चार भुजाएं एक ही शरीर के अंदर दिखाई गई है। In fact, in the picture of Vishnu, a single body is shown with four arms. भुजाएं माने मददगार। Arms mean helpers. चार मददगार आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचर एंड संस्कार्स ऑफ फोर हेल्पर सोल्स हैज बीन शोन। ऐसे नहीं कि दो ही आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। इट इजंट दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू सोल्स। चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर सोल्स। क्या? माँ बाप और उनके बच्चे भी। What? The mother, the father as well as their children. ऐसे नहीं कि माँ बाप के ही संस्कार आपस में मिलकर के एक हो गए। It is not that only the संस्कार्स of the mother and the father have combined and become one. माँ बाप के साथ साथ बच्चों के भी संस्कार मिलकर के एक हो जाते। Along with the mother and the father, the संस्कार्स of the children also combine and become one. इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में जो आजू बाजू में चारों तरफ 108 मंदिर बने हुए हैं, उनमें चार चार मूर्तियां दिखाई गई हैं। That is why in the Dilwara temple, the 108 temples that are built around, four idols are shown in each of them. दो माँ बाप के रूप में और दो बच्चों के रूप में। Two idols are shown in the form of the mother and the father, and two idols are shown in the form of children. ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। These topics of knowledge are to be understood. बाबा रूप भी है और बाबा बसंत भी है। बाबा इज रूप एंड बाबा इज बसंत एज वेल। रूप मीन्स ब्यूटी विच बाबा डिस्क्राइब्स एज द इम्बॉडीमेंट ऑफ योग। बसंत मीन्स स्प्रिंग विच बाबा डिस्क्राइब्स एज द इम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यूज। कैसे? हाउ? रूप तो कहा जाता है याद की ऊंची स्टेज में रूहानियत आ जाती है चेहरे में। द स्पिरिचुअलिटी दैट अपियर्स ऑन द फेस इन द हाई स्टेज ऑफ रिमेम्बरेंस इज कॉल्ड रूप। और बसंत कहा जाता है जिसमें खुशबू आती हो दिव्य गुणों की। एंड द वन हु हैज द फ्रेग्रेंस ऑफ डिवाइन वर्च्यूज इज कॉल्ड बसंत। तो बाबा एक है और उसमें दोनों बातें कैसे आ जाती? सो व्हेन बाबा देयर इज वन बाबा देन हाउ डू बोथ द क्वालिटीज कम इन हिम। रूप भी है बसंत भी है। कैसे? ही इज रूप एज वेल एज ही इज बसंत। हाउ? रूप तो इसलिए है
कि राम वाली आत्मा याद में तीखी होती है तो रूपवान चेहरा बनता है. ही इज रूप बिकॉज द सोल ऑफ राम इज शार्प इन रिमेम्बरेंस सो द फेस बिकम्स रूपवान ब्यूटिफुल. और बसंत इसलिए है कि दिव्य गुणों की खान वाली आत्मा कृष्ण की सोल उसमें प्रवेश होती है. एंड ही इज बसंत बिकॉज द सोल ऑफ कृष्ण हु इज अ स्टोर ऑफ डिवाइन वर्च्यूज एंटर्स हिम. इसलिए वो बसंत है. दैट्स वाई ही इज बसंत. बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिलते हैं, खुशबू ही खुशबू हो जाती है. इन द स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स ब्लॉसम ऑल अराउंड सो फ्रेग्रेंस एंड ओनली फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स एवरीवेयर. तो देखो वो रूप इसलिए है कि तेजो में बिंदी रूप है. सो लुक ही इज रूप बिकॉज ही इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्राइट पॉइंट. क्या जो बिंदु रूप है वो निराकारी स्टेज झलकती है. वॉट दैट फॉर्म ऑफ द पॉइंट रिफ्लेक्ट दैट इनकॉर्पोरियल स्टेज. उनमें ज्ञान भी है. दे हैव नॉलेज एज वेल. किन में? हु? उनमें माने एक नहीं है, दोनों ही आत्माएं हैं. दे मीन्स दैट देर इज नॉट जस्ट वन सोल, देर आर बोथ द सोल्स. रामकृष्ण की जो आत्मा है रूप बसंत के रूप में एक ही व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष होती है संसार में भगवान के रूप में. द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्ण हु आर रिवील्ड इन द फॉर्म ऑफ रूप एंड बसंत थ्रू ओनली वन पर्सनैलिटी एज गॉड इन द वर्ल्ड. उनमें ज्ञान भी है और नाम रूप से न्यारे नहीं है. हैव नॉलेज एंड दे आर नॉट बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म. ऐसे नहीं कि बिंदी है, ज्ञान भरा हुआ है लेकिन नाम रूप से न्यारे हो, नहीं. इट्स नॉट दैट दे आर पॉइंट्स दैट दे हैव नॉलेज बट आर बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म. नो, नाम भी है और उनका रूप भी है. दे हैव अ नेम एज वेल एज अ फॉर्म. ये दुनिया नहीं जानती है कि उनका असली नाम क्या है और रूप क्या है. द वर्ल्ड डजंट नो वॉट देयर ओरिजिनल नेम एंड फॉर्म इज. बाप बैठकर तुम्हें समझाते हैं. द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू यू कि मुझे भी तो आत्मा कहते हैं ना. आई एम ऑल्सो कॉल्ड अ सोल एम आई नॉट. सिर्फ मैं सुप्रीम आत्मा हूँ. द ओनली थिंग इज दैट आई एम द सुप्रीम सोल. तुम आत्माओं को सुप्रीमेसी नहीं है और मेरे को सुप्रीम कहा जाता है. देर इज नो सुप्रीमेसी इन यू द सोल्स एंड आई एम कॉल्ड सुप्रीम. परमात्मा सो सुप्रीम आत्मा हो जाता है. द सुप्रीम सोल बिकम्स परमात्मा सुप्रीम सोल. क्या वॉट जो सुप्रीम आत्मा है वो ही जब साकार शरीर में प्रवेश करता है और जिसमें मुकर्र रूप से प्रवेश करता है वो परमात्मा हो जाता है. When the supreme soul enters a real body, supreme and the one whom he enters in the permanent way, when the supreme soul enters a real body, supreme soul and the one whom परमात्मा he enters in the permanent way, become supreme soul, परमात्मा आत्मा supreme soul, जो भी पार्टधारी है. All the actor souls, supreme soul पार्टधारियों के बीच में नहीं है. The supreme soul is not among actors. वो तो अकर्ता है. He is akarta. The one who does not perform actions. अभोक्ता है. अभोक्ता the one who does not seek pleasure. असोचता है. असोचता the one who does not need to think. बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सोचती विचारती हैं. All the other human souls think and ponder. उनको मंथन करने की दरकार होती है. They need to churn. सुप्रीम सोल को मंथन करने की दरकार नहीं. The supreme soul doesn't need to churn. उसको कर्म करने की भी दरकार नहीं. He doesn't need to perform actions either. वो अकर्ता है. He is अकर्ता. अगर अच्छा बुरा कर्म करे तो उसका फल भी उसको भोगना पड़े. If he performs good or bad actions, he will also have to experience its fruit.
वो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। He neither does good actions nor does he do bad actions. लेकिन आत्माएं अच्छे बुरे कर्म करती है। But the souls perform good or bad actions. अच्छे बुरे कर्म करती हैं तो उनको भोगने भी पड़ते हैं। If they perform good or bad actions, they also have to experience the fruits of it. तो जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी जो है जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है। So, the supreme actor among all the souls, the one who is called the hero actor, वो हीरो पार्टधारी आत्मा में माना राम की आत्मा में वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है। द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स दैट हीरो एक्टर सोल मीनिंग द सोल ऑफ राम और प्रवेश करके उस काले शरीर वाले को काली आत्मा को क्या बना देता है। एंड व्हाट डज ही मेक दैट डार्क बॉडीड वन अ डार्क सोल आफ्टर एंटरिंग हिम गोरी आत्मा बनाता कैसे बनाता है। He makes him a fair soul. How does he make him that? प्रवेश करता है तो संग का रंग लगता है। When he enters, he is colored by the company. और आत्माओं को भी संग का रंग लगता है। Other souls are also colored by the company. उस परमात्मा पार्टधारी को भी संग का रंग लगता है। That supreme actor is also colored by the company. लेकिन अंतर क्या होता है? But what is the difference? और आत्माएं जितना जितना याद करेंगी टू द एक्सटेंट द अदर सोल्स रिमेम्बर हिम उतना उतना उनको संग का रंग लगेगा और पाप कर्म भस्म होंगे। दे विल बी कलर्ड बाई हिज कंपनी टू दैट एक्सटेंट एंड देयर सिनफुल डीड्स विल बी बर्न्ड टू एशेस। और सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है एंड द वन इन हुम द सुप्रीम सोल एंटर्स इन अ परमानेंट वे उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश होने की वजह से भला अनेक आत्माओं का संग का रंग लगता है फिर भी जल्दी धुल जाता है। ऑल्दो ही इज कलर्ड बाय द कंपनी ऑफ मेनी सोल्स इट दैट इज द कलर ऑफ द कंपनी इज वॉश्ड अवे सून बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द सुप्रीम सोल। माना ज्यादा देर तक कुसंग का रंग अनेकों के असंग का रंग ठहरता नहीं है। दैट मीन्स ही इज नॉट कलर्ड बाय बैड कंपनी द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ मेनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो परमात्मा सो हो जाता है परमात्मा। सो द सुप्रीम सोल बिकम्स परमात्मा। अभी बाप बैठ समझाते हैं। नाउ द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स ये बाप भी है। दिस वन इज ऑल्सो द फादर। कौन बाप बैठ समझाते हैं यह बाप भी है। विच फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स दिस वन इज ऑल्सो द फादर। स्टूडेंट प्रजापिता वो समझाते हैं। डज ही एक्सप्लेन। स्टूडेंट शिव बाबा एक्सप्लेन्स। शिव बाप बैठ समझाते हैं यह बाप भी है। यह कह किस किसकी तरफ इशारा किया। द फादर शिव सिट्स एंड एक्सप्लेन्स दिस वन इज ऑल्सो द फादर हुम डिड ही इंडिकेट बाई सेइंग दिस वन। यह बाप भी है टीचर भी है सदगुरु भी है। दिस वन इज द फादर एज वेल एज द टीचर एंड द सदगुरु टू। प्रजापिता राम वाली आत्मा बाप भी है टीचर भी है। प्रजापिता द सोल ऑफ राम इज द फादर एज वेल एज द टीचर। माना उसका कोई बाप नहीं है। दैट मीन्स ही डजंट हैव एनी फादर। उसके लिए ज्ञान का बीजारोपण करने वाला कोई साकार में दुनिया में नहीं है। देर इज नो वन इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म इन द वर्ल्ड हु वुड सो द सीड ऑफ नॉलेज इन हिम। और उसका कोई टीचर भी नहीं। And he doesn't have any teacher either. उसको समझाने वाला दुनिया में कोई साकार रूप में टीचर नहीं है। There is no teacher in a corporeal form in the world who would explain to him. कहते भी है knowledgeful, अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। It is also said knowledgeful, meaning the one who knows everyone's heart. अगर परमात्मा सर्वव्यापी है फिर तो सभी नॉलेजफुल हो जाए सब ज्ञान के सागर हो जाए। इफ द सुप्रीम सोल इज ओमनी प्रेजेंट एवरी वन शुड बिकम नॉलेजफुल एवरी वन शुड बिकम द ओशन ऑफ नॉलेज। लेकिन सब में एक जैसा ज्ञान तो होता ही नहीं।
बट नॉट एवरी वन हैज द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज एट ऑल। सागर अनेक दिखाए जाते हैं लेकिन सब सागर एक जैसे हैं क्या? मेनी ओशंस आर शोन बट आर ऑल द ओशंस अलाइक? कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग। कोई छोटे तालाब, कोई बड़े तालाब, कोई बड़ी झील, कोई छोटी झील। सम आर स्मॉल पॉन्ड्स, सम आर बिग पॉन्ड्स, सम आर बिग लेक्स, सम आर स्मॉल लेक्स। कोई छोटी नदी, कोई बड़ी नदी। सम आर स्मॉल रिवर्स एंड सम आर बिग रिवर्स। किसी में कम ज्ञान जल और किसी में ज्यादा ज्ञान जल का भंडार। सम हैव लेस वाटर ऑफ नॉलेज एंड सम हैव प्लेंटी ऑफ द वाटर ऑफ नॉलेज। तो सब तो नॉलेजफुल नहीं हो सकते। सो नॉट एवरी वन कैन बी नॉलेजफुल। माना परमात्मा सब में व्यापक नहीं हो सकता। इट मीन्स द सुप्रीम सोल कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एवरी वन। वो सिर्फ एक में व्यापक होता है। ही इज प्रेजेंट ओनली इन वन बीइंग। माना एक में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है। इट मीन्स ही प्लेज अ पार्ट इन वन बीइंग इन अ परमानेंट वे। और जिस एक में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है एंड द वन इन होम ही प्लेज द पार्ट इन अ परमानेंट वे, उसका प्रूफ क्या हुआ? वॉट इज द प्रूफ ऑफ दिस प्रेजेंस? समवन सेड थ्रू नॉलेज। हाँ, जैसे बोला मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? यस, जस्ट एज इट वॉज सेड हाउ इज इट नोन दैट गॉड द फादर इज इन दिस वन। ज्ञान देते हैं तो पता चलता है इनमें बाप भगवान है। वेन ही गिव्स नॉलेज इट इज नोन दैट देर इज गॉड द फादर इन हिम। लेकिन ज्ञान तो दुनिया में बहुत मनुष्य देते हैं। बट मेनी ह्यूमन बीइंग्स गिव नॉलेज इन द वर्ल्ड। ज्ञान ऐसा देते हैं कि जो मुरली ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई, जो वेद वाणी ब्रह्मा के मुख से निकली। ही गिव्स सच नॉलेज दैट द मुरली विच वॉज नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा, द वेद वाणी दैट केम आउट ऑफ द माउथ ऑफ ब्रह्मा। उस वेद वाणी को रहस्यमय तरीके से कोई भी नहीं समझ पाता। नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ दैट वेद वाणी। और वो एक आत्मा उस वाणी को गहराई से पकड़ लेती है, जिसको शास्त्रों में दिखाया कि गंगा आई और कहाँ समा गई। एंड दैट वन सोल ग्रैस्प्स दैट वाणी इन डेप्थ फॉर विच इट इज शोन इन द स्क्रिप्चर्स दैट द गैंजिस केम एंड वेयर डिड शी मर्ज। सबकी बुद्धियों में नहीं समा गई। She didn't merge in the intellect of everyone. शंकर की जटाओं में समा गई। She merged in the hair locks of Shankar. एक की जटा में क्यों समा गई? Why did she merge in the hair locks of this one? क्योंकि एक को ही कहा जाता है देव देव महादेव। It is because only one is called Dev Dev Mahadev, the great deity. 33 करोड़ देवताओं को महादेव नहीं कहा जाता। 33 crore That is 330 million deities are not called Mahadev. एक ही आत्मा है जो परमात्मा का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाती है। There is only one soul who plays the part of the supreme soul in practice. इसलिए पूछा, इस एक को नॉलेजफुल क्यों कहते हो? That is why it was asked. Why do you call this one knowledgeful? मनुष्यों की देखो कितनी तुच्छ बुद्धि है। Look what a worthless intellect the human beings have. ज्ञान की बातों को बिल्कुल ही नहीं समझते। They don't understand the topics of knowledge at all. बाप तो ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ सुनाते हैं। In fact, the father sits and narrates the contrast between knowledge and bhakti, that is devotion. ज्ञान होता है बुद्धि का विषय। नॉलेज इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंटेलेक्ट। और भक्ति होती है भावना और विश्वास का विषय, दिल का विषय। एंड भक्ति इज द सब्जेक्ट ऑफ द इमोशन एंड बिलीफ, द सब्जेक्ट ऑफ द हार्ट। दिल और दिमाग। द हार्ट एंड द इंटेलेक्ट। भगवान को कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि। गॉड इज कॉल्ड द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट वंस। और भक्त बुद्धि नहीं लड़ाते। And the devotees do not use their intellect.
पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कीर्तन करेंगे। दे विल वर्शिप गॉड, अडोर हिम एंड ऑर्गेनाइज अ कीर्तन, मीनिंग सिंगिंग ऑफ हिम्स इन ग्रुप्स। जिसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, उसकी बायोग्राफी को बिगड़ जाने बिगड़ करते हैं। दे वर्शिप अडोर ऑर्गेनाइज हिज कीर्तन एंड परफॉर्म आरती विदाउट नोइंग हिज बायोग्राफी। आरती मीन्स वर्शिप ऑफ गॉड विद लाइटेड लैम्प्स। माना अंधश्रद्धा में होकर के करते हैं। दैट मीन्स दे डू इट विद ब्लाइंड फेथ। बुद्धि नहीं लड़ाते कि इनकी पूजा हम क्यों करते हैं। दे डोंट थिंक विद देयर इंटेलेक्ट व्हाई डू वी वर्शिप दीज वंस। तो होती है अंधश्रद्धा। सो दैट इज ब्लाइंड फेथ। अंधश्रद्धा से वशीभूत होती है भक्ति, और ज्ञान समझ की चीज है। भक्ति इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड फेथ एंड नॉलेज इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड। एक एक बात को बुद्धि से तौल करके फिर ग्रहण करना है। यू हैव टू ग्रेस्प ईच एंड एवरी टॉपिक आफ्टर जजिंग इट थ्रू द इंटेलेक्ट। क्या राइट है और क्या रंग है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट और रंग का विश्लेषण करके फिर जो राइट है उसको ग्रहण करना है, जो राइट नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना है। आफ्टर एनालाइजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग यू हैव टू ग्रेस्प व्हाट इज राइट एंड नॉट ग्रेस्प व्हाट इज रॉन्ग। बिना प्रूफ ऑफ प्रमाण के ज्ञान नहीं कहा जा सकता। समथिंग एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ एंड एविडेंस कैनॉट बी कॉल्ड नॉलेज। कोई कहे भगवान आया हुआ है। समवन में से गॉड हैज कम। कहाँ आया हुआ है। द लिसनर विल आस्क वेर हैज ही कम। कि अमुक व्यक्ति में आया हुआ है। द पर्सन विल से ही हैज कम इन दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो भक्त होगा वो तो मान लेगा कि हाँ आया हुआ है। इफ ही दैट इज द लिसनर इज अ डिवोटी ही विल एक्सेप्ट इट सेइंग यस ही हैज कम। ज्ञानी होगा, आया है तो कैसे आया है। इफ ही दैट इज द लिसनर इज द नॉलेजेबल पर्सन ही विल आस्क इफ ही हैज कम हाउ हैज ही कम। क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है। व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द एविडेंस। जब तक प्रूफ और प्रमाण मिल न जाए तब तक वो मानने वाला नहीं है। अंटिल ही फाइंड्स द प्रूफ एंड एविडेंस ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो दुनियावी मनुष्य ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। सो द वर्ल्डली ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ नॉलेज एट ऑल। पहले ज्ञान दिन सतयुग त्रेता को कहा जाता है। First, the golden and the silver ages are called knowledge. The day. भगवान बाप आते हैं तो दो युगों की प्राप्ति कराते हैं, 21 जन्मों की सुख की प्राप्ति कराते हैं। When God the Father comes, He makes us obtain the attainments of two ages. He makes us obtain the attainment of the happiness for 21 births. वो 21 जन्मों का सुख है सतयुग और त्रेता में। That happiness of the 21 births is in the golden and silver ages. ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। This is the world established by God. ज्ञान से इस दुनिया की प्राप्ति होती है। You attain this world through knowledge. और जो बुद्धि नहीं लड़ाते हैं। And those who do not use their intellect. ज्ञान की बातों को नहीं पकड़ते हैं। Those who do not grasp the topics of knowledge. उनके लिए फिर बनती है द्वापर और कलयुग की दुनिया, द्वैतवादी दुनिया। फॉर देम द वर्ल्ड ऑफ द कॉपर एंड आयरन एजेस द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिज्म इज क्रिएटेड। जिसने जो कहा उसी बात को मान लिया। दे बिलीव इन वॉट एवर समवन सेज। तो पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज द डे ऑफ नॉलेज द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस। Then is the copper and iron ages, the night. ये दिन और रात का खेल चलता रहता है। This game of day and night keeps going on. सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। The golden and silver ages are the day and the copper and iron ages are the night. द्वापर कलयुग में रात क्यों होती है। Why is there night in the copper and iron ages? सतयुग में दिन क्यों होता है। Why is there day in the golden age? क्योंकि सत्य होता है एक और झूठ होते हैं अनेक। इट इज बिकॉज देर इज वन ट्रूथ
दैट इज सत्य एंड हियर देर आर मेनी फॉल्स थिंग्स झूठ। एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, झूठ से दूसरे झूठ के ऊपर तीसरा चौथा पांचवा बोलना ही पड़ता है। यू हैव टू स्पीक अ सेकेंड लाई आफ्टर अ फर्स्ट लाई एंड अ थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाई आफ्टर द सेकेंड लाई फॉर श्योर। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। इट इज सेड फॉल्सिटी डज नॉट हैव लेग्स। तो झूठ मना रात, कलयुगी दुनिया, द्वापर युगी दुनिया, द्वैतवादी दुनिया। सो फॉल्सिटी मीन्स द नाइट, द वर्ल्ड ऑफ द आयरन एज, द कॉपर एज, द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिज्म। दो दो मतें होती हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो धर्म होते हैं। देर आर टू ओपिनियंस, टू किंगडम्स, टू रिलीजन्स। ऐसी दुनिया को कहा जाता है रात की दुनिया। सच अ वर्ल्ड इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ द नाइट। उस रात में मनुष्य अंधेरे में ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान मिलता ही नहीं। इन दैट नाइट पीपल कीप सफरिंग मिसफॉर्चून इन डार्कनेस, दे डोंट फाइंड गॉड एट ऑल। कितने मंदिरों में टिकानों में माथा मारते हैं। दे बाउ देयर हेड इन सो मेनी टेम्पल्स एंड प्लेसेस। कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारे में। सम बाउ देयर हेड इन मॉस्क्स, सम इन चर्चेस एंड सम इन गुरुद्वारा, मीनिंग द होली प्लेस ऑफ द सिक्स। माथा ही मारते रहते हैं लेकिन भगवान फिर भी मिलता नहीं। दे कीप बाउइंग देयर हेड बट इवन देन दे डोंट फाइंड गॉड। तो भक्ति से दुर्गति होती है। सो डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस थ्रू भक्ति। भक्ति का रिजल्ट क्या है? वॉट इज द रिजल्ट ऑफ भक्ति? हजारों साल से भक्ति करते चले आए, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में। दे हैव बीन डूइंग भक्ति फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड चर्चेस। गुरुओं ने जैसे बताया वैसे चलते चले आए। दे हैव बीन एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वॉट द गुरु सेड। क्या एक गुरु की मत पर चलते आए? हैव दे बीन फॉलोइंग द ओपिनियन ऑफ वन गुरु? अनेक गुरुओं की मत पर चले। दे फॉलोड द ओपिनियंस ऑफ मेनी गुरुज। इसको कहते हैं द्वैतवादी युग। दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ ड्यूअलिज्म। दो में से चार, चार में से आठ, ये मतें निकलती ही रहती हैं। वेयर दीज ओपिनियंस कीप इमर्जिंग, फोर आउट ऑफ टू, एट आउट ऑफ द फोर। तो ऐसी भक्ति से होती है दुर्गति। सो डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस थ्रू सच भक्ति। दुर्गति में ज्ञान नहीं होता है। देर इज नो नॉलेज इन डिग्रेडेशन। ज्ञान और भक्ति का किसी को भी पता नहीं। नो वन नोज अबाउट नॉलेज एंड भक्ति एट ऑल। ये राजयोग का ज्ञान है। दिस इज द नॉलेज ऑफ राजयोग। इस राजयोग के ज्ञान को कोई भी हठ योगी नहीं समझा सकते। नो हठ योगी कैन एक्सप्लेन दिस नॉलेज ऑफ राजयोग। हठ योगी क्यों कहा? वाई वॉज इट सेड हठ योगी? क्योंकि वो हठ पकड़ के बैठ जाते हैं, हम ही सच्चे हैं। इट इज बिकॉज दे बिकम ऑब्स्टिनेट, हठ पकड़ना एंड से ओनली वी आर ट्रू। सच्ची बात भी उनके सामने कही जाए तो भी नहीं मानेंगे। इवन इफ यू स्पीक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ देम दे वोंट एक्सेप्ट इट। हठ योगी उन्हें कहा जाता है जो गृहस्थ को ऊंचा नहीं समझते। दोज हु डू नॉट कंसिडर द हाउस होल्ड टू बी एलिवेटेड आर कॉल्ड हठ योगी। समझते हैं गृहस्थी तो गिरी हस्ती है। दे थिंक दैट द हाउस होल्डर्स, गृहस्थी, आर डिग्रेडेड पर्सनैलिटीज, गिरी हस्ती। ऐसे तो गृहस्थी भी नहीं समझा सकेंगे। इन अ वे इवन द हाउस होल्डर्स कैनॉट एक्सप्लेन दिस। क्या ज्ञान को गृहस्थी भी नहीं समझा सकते और हठ योगी भी, सन्यासी भी नहीं समझा सकते? वॉट नीदर द हाउस होल्डर्स नॉर द हठ योगी द सन्यासी कैन एक्सप्लेन द नॉलेज। क्यों नहीं समझा सकते? वाई कांट दे एक्सप्लेन इट? क्योंकि दोनों ही अपवित्र हैं। इट इज बिकॉज बोथ आर इम्प्योर। दोनों की पैदाइश गुमूत से है, अपवित्रता से है। द बर्थ ऑफ बोथ ऑफ देम टेक्स प्लेस थ्रू एक्सक्रीमेंट्स, थ्रू इम्प्योरिटी। तुम ब्राह्मणों की पैदाइश मुख से है। यू द ब्राह्मिन्स आर बॉर्न थ्रू द माउथ। तुम ब्रह्मा के मुख से, जिस ब्रह्मा के तन में भगवान आकर के प्रवेश करके वाणी बोलते हैं। थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा यू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा दैट गॉड एंटर्स टू नरेट द वाणी। उस वेद वाणी को सुन करके तुम अपना जीवन बनाते हो और दूसरों का जीवन सुधारते हो। बाई लिसनिंग टू दैट वेद वाणी यू मेक योर लाइफ गुड एंड रिफॉर्म अदर्स लाइफ एज वेल।
इसलिए तुम मुख वंशावली हो. दिस इज वाई यू आर मुख वंशावली, मीनिंग प्रोजेनी बॉर्न फ्रॉम द माउथ, मीनिंग द नॉलेज. श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान हो. यू आर द चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू द एलिवेटेड इंद्रिया. बाकी वो हठ योगी और जो भी गृहस्थी है वो सब भ्रष्ट इंद्रियों की संतान. द रेस्ट द हठ योगीज एंड ऑल द हाउस होल्डर्स आर द प्रोजेनी बॉर्न थ्रू द करप्ट इंद्रिया. इसलिए सब अपवित्र हैं. दिस इज वाई ऑल आर इम्प्योर. अपवित्र होने की वजह से इस ज्ञान को नहीं समझा सकते. सिंस दे आर इम्प्योर दे कैनॉट एक्सप्लेन दिस नॉलेज. तुम्हारे में भी जो ज्ञान लेने के बाद अगर आप अपवित्रता धारण करते हैं तो ये ज्ञान सारा बुद्धि में से उड़ जाता है. अमंग यू टू दोज हु इम्बाइब इम्प्यूरिटी आफ्टर टेकिंग द नॉलेज दिस एंटायर नॉलेज वैनिशेस फ्रॉम देयर इंटेलेक्ट. अनुभव करने की बात है. दिस इज समथिंग टू एक्सपीरियंस. जिन दिनों अपवित्रता माया पछाड़ती है, अपवित्रता आती है, तो बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है. द डेज वेन इम्प्यूरिटी माया ओवर पावर्स यू, यू बिकम इम्प्योर, देन द एंटायर नॉलेज वैनिशेस फ्रॉम द इंटेलेक्ट. और जिन दिनों पवित्रता का बैलेंस चलता है उन दिनों बुद्धि में ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के पॉइंट्स चलते रहते हैं. एंड द डेज वेन देर इज अ बैलेंस ऑफ प्योरिटी द पॉइंट्स ऑफ थिंकिंग एंड चर्निंग द नॉलेज गो ऑन इन द इंटेलेक्ट. तो अभी बताओ ये राजयोग कौन सिखावेगा. सो नाउ टेल मी हु विल टीच दिस राजयोग. मनुष्य सिखाई नहीं सकते, सब गृहस्थी है. ह्यूमन बींग्स कैनॉट टीच इट बिकॉज एवरी वन इज अ हाउस होल्डर. सब अपवित्रता की औलाद है. एवरी वन इज द प्रोजेनी बॉर्न थ्रू इम्प्यूरिटी. हठ योगी भी नहीं सिखा सकते. इवन द हठ योगी कैनॉट टीच इट. बल पवित्र रहते हैं सन्यासी, लेकिन उनकी पैदाइश कहाँ से हुई. ऑल्दो दे द सन्यासीज रिमेन प्योर हाउ वर दे बॉर्न. उनकी भी तो पैदाइश पतितपने से हुई ना, गुमूत से हुई ना. दे टू वर बॉर्न थ्रू इम्प्योरिटी वर्न्ट दे. दे वर बॉर्न थ्रू एक्सक्रीमेंट्स वर्न्ट दे. वो भी नहीं सिखा सकते. सो दे कांट टीच राजयोग ईदर. फिर कौन सिखाएगा. देन हु विल टीच इट. इस पतित दुनिया में तो सब पतित हैं. एवरी वन इज इम्प्योर इन दिस इम्प्योर वर्ल्ड. इन पतितों को पावन कौन बनावेगा. हु विल प्यूरिफाई दीज इम्प्योर वंस. वो बनावेगा जो इस दुनिया में आकर के भी कभी भी पतित नहीं बनता. ही हु नेवर बिकम्स इम्प्योर इवन आफ्टर कमिंग इन दिस वर्ल्ड विल मेक देम प्योर. उसकी यादगार बनी हुई है. क्या यादगार बनी हुई है. हिज मेमोरियल हैज बीन मेड. वॉट मेमोरियल हैज बीन मेड. शिव का जो मंदिर है वो जलाधारी स्त्री रूप की यादगार है. इन द टेम्पल ऑफ शिव दैट जलाधारी इज अ सिंबल ऑफ द फीमेल फॉर्म. जलाधारी अ कप दैट होल्ड्स द लिंगम. और उसमें वो लिंग रूप में बैठा हुआ भी है. इन द टेम्पल ऑफ शी इज सिटिंग इन द जलाधारी इज अ सिंबल ऑफ द फीमेल. इतना संग का रंग है इन द फॉर्म ऑफ अ लिंग. उसकी पूजा होती है. देयर इज सो मच कलर ऑफ द कंपनी इवन देन ही इज वर्शिप्ड. पूजा पवित्र की होती है, अपवित्र की होती है. इज द प्योर वन वर्शिप्ड और इम्प्योर वन वर्शिप्ड. द कप दैट होल्ड्स जरूर है. ऐसी स्टेज में भी वो पवित्र रहने वाला है. डेफिनेटली ही इज द वन हु रिमेन्स प्योर इवन इन सच अ स्टेज. वो अपवित्र होने वाला नहीं है. ही डज नॉट बिकम इम्प्योर. तन से भी छरित नहीं होता जिसे तन में प्रवेश करता है. ही डज नॉट लूज विगर थ्रू द बॉडी ही एंटर्स. मन से भी छरित नहीं होता. ही डज नॉट लूज विगर थ्रू द माइंड ईदर. और जब तन और मन से छरित नहीं होगा तो धन भी बर्बाद नहीं कर सकता. एंड वेन ही डजेंट लूज विगर थ्रू द बॉडी एंड द माइंड ही कैनॉट वेस्ट मनी ईदर. तो जो राजयोग सिखाते हैं वो ही अभी कहते हैं माम एकम याद करो. सो द वन हु टीचेस राजयोग हिमसेल्फ सेज नाउ रिमेम्बर मी अलोन. क्या वॉट. मुझे एक को याद करो. रिमेम्बर मी अलोन. तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझ लेते हैं. सो
व्हाट डू द सो कॉल्ड ब्रह्म कुमार कुमारी थिंक? मुझे एक को याद करो का इसका मतलब क्या समझ लेते हैं? व्हाट डू दे मेक आउट ऑफ रिमेम्बर मी अलोन? मुझे एक बिंदी को याद करो। दे अंडरस्टैंड रिमेम्बर मी द पॉइंट अलोन। अरे बिंदी बिंदी आत्माएं तो सभी हैं। अरे एवरी वन इज अ पॉइंट सोल। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबके अंदर बिंदी आत्मा नहीं है क्या? Isn't the point soul present in insects, spiders, animals, birds, everything? तो पता कैसे चलेगा कि एक बिंदु को याद किया या कौन सी बिंदु को याद किया? So how will you come to know if you remembered the one point or which is the point you remembered? कैसे पता चलेगा? How will you come to know this? है? कैसे कहा जाए हमने एक ही बिंदु को याद किया दूसरी बिंदु को याद नहीं किया? How will it be said that we remembered only the one point and not another point? जब when बिंदी बिंदी आत्माएं सब एक जैसी all point souls are alike उनमें कोई अंतर नहीं चाहे सुप्रीम सोल हो चाहे कोई हीरो पार्टधारी हो। There is no difference among them whether it is the supreme soul whether it is the hero actor और चाहे कोई छोटी मोटी आत्मा पार्टधारी चाहे कीड़े मकोड़े की आत्मा हो सब बिंदु। Whether it is a soul who plays an insignificant part or the soul of insects, everyone is a point. जिन्हें गीता में कहा गया अणु अणीयांश अनुस्मरेत्य। About this, it is said in the Gita, अणु अणीयांश अनुस्मरेत्य। अनुरूप आत्मा है, बहुत सूक्ष्म है। The soul is like an atom. It is very subtle. तो पता कैसे लगेगा हमने किस बिंदु को याद किया? So how will we come to know which point we remembered? वो पता तब ही लग सकता है जब ज्ञान की दृष्टि से हम उस शरीरधारी को पहचाने जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके वो एक्ट करता है। We can come to know that only when we recognize through the vision of knowledge that bodily being whom that supreme soul enters and through whom he performs that action. ऐसा शरीरधारी वो एक ही है जिसका नाम है शिव शंकर भोलेनाथ। There is only one bodily being like that whose name is Shiv Shankar Bholenath. Bholenath means the Lord of the innocent ones. 33 करोड़ देवताएं हैं। There are 33 crore deities. 33 करोड़ देवताओं में से एक भी देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया गया हो। Among the 33 crore deities, there is not even a single deity whose name is combined with that of Shiv. चाहे वो विष्णु ही क्यों न हो चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। Whether he is Vishnu or Brahma. त्रिदेव में से दो देवताओं को भी नहीं मिलाया गया। Among the त्रिदेव meaning the three deities Brahma, Vishnu and Shankar. Even the two deities were not combined with him. त्रिदेव तो 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। त्रिदेव आर कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट अमंग द 33 करोड़ डीटीज। किसका नाम मिलाया गया? शंकर का नाम शिव के साथ मिलाते हैं। हुज नेम वॉज कम्बाइंड? द नेम ऑफ शंकर इज कम्बाइंड विद दैट ऑफ शिव। तो जरूर है वो सुप्रीम सोल उस परम पार्ट धारी माने हीरो पार्ट धारी में प्रवेश करता है। सो डेफिनेटली दैट सुप्रीम सोल एंटर्स दैट सुप्रीम एक्टर मीनिंग द हीरो एक्टर और उसके द्वारा कहता है माम एकम याद करो मुझे एक को याद करो। एंड सेज थ्रू हिम माम एकम याद करो रिमेम्बर मी अलोन। कहा तो जाता है त्रिमूर्ति शिव। इट इज सर्टनली सेड त्रिमूर्ति शिव। शिव की तीन मूर्तियां हैं। देर आर द थ्री मूर्तीज पर्सनैलिटी ऑफ शिव। लेकिन तीनों मूर्तियों में से भगवान के रूप में कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध होती है? बट अमंग द थ्री पर्सनैलिटीज विच पर्सनैलिटी बिकम्स फेमस इन द फॉर्म ऑफ गॉड? एक शंकर की मूर्ति महादेव की मूर्ति। द पर्सनैलिटी ऑफ शंकर अलोन द पर्सनैलिटी ऑफ महादेव। और बनते हैं मनुष्य से देवता। अदर्स बिकम डीटीज फ्रॉम ह्यूमंस। नर से नारायण जैसे बनते हैं। दे बिकम लाइक नारायण फ्रॉम अ मैन। लेकिन वह देवता नहीं क्या बनता है? महादेव।
बट ही डज नॉट बिकम अ डीटी, व्हाट डज ही बिकम? ही बिकम्स महादेव, देवताओं में महान पार्टधारी, द ग्रेट एक्टर अमंग द डीटीज। उस महान पार्टधारी में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसके द्वारा जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं सर्व संबंधों से आकर के मिलता हूँ। आई एंटर दैट ग्रेट एक्टर इन अ परमानेंट वे एंड थ्रू हिम आई मीट ऑल द ह्यूमन सोल्स, ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन थ्रू ऑल रिलेशनशिप्स। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। दिस इज वाई इट इज सेड इन द पाथ ऑफ भक्ति, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मीनिंग यू अलोन आर माई मदर एंड माई फादर, यू अलोन आर माई फैमिली एंड माई फ्रेंड, यू अलोन आर एवरीथिंग फॉर मी, यू अलोन आर द ग्रेटेस्ट डीटी। हर प्रकार के संबंध परमात्मा बाप आकर के जोड़ते हैं बच्चों के साथ। द सुप्रीम सोल फादर कम्स एंड फॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद द चिल्ड्रन। ये भी कहते हैं जिस संबंध की अनुभूति में कमी रह जाएगी, मेरे से वो संबंध नहीं निभा सकेंगे। ही ऑल्सो सेज दिस, इफ देयर रिमेन्स अ शॉर्ट कमिंग इन एक्सपीरियंसिंग अ सर्टेन रिलेशनशिप, इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद मी, उसके लिए जन्म जन्मांतर परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तरसते रहेंगे। देन दे विल वरी फॉर दैट रिलेशन फॉर मेनी बर्थ्स, दे विल कीप बिकमिंग सोरोफुल, दे विल लॉन्ग फॉर इट। मैं आकर के ये राजयोग अभी सिखाता हूँ। आई कम एंड टीच दिस राजयोग नाउ। और मनुष्यों को ये राजयोग सिखाने का हक नहीं है। द अदर ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अ राइट टू टीच दिस राजयोग। मनुष्य मनुष्य गुरु जो है वो मनुष्यों को राजयोग नहीं सिखा सकते। ह्यूमन गुरुज कैनॉट टीच राजयोग टू द ह्यूमन बींग्स। क्या राज भरा हुआ है? वॉट सीक्रेट दैट इज राज इज कंटेन्ड इन इट। ये राज भरा हुआ है कि और मनुष्य आत्माएं कनेक्शन में आएंगी तो उनको अटैचमेंट जरूर लगेगा, मोह लगेगा, ममता लगेगी, लगाव लग जाएगा। द सीक्रेट कंटेन्ड इन इट इज दैट इफ द अदर ह्यूमन सोल्स कम इन द कनेक्शन ऑफ इम्प्योर सोल्स, दे विल सर्टेनली हैव अटैचमेंट टूवर्ड्स देम, दे विल हैव फॉन्डनेस अफेक्शन, दे विल बिकम अटैच्ड। क्या आंख से जो चीज देखी जाती है, जिस चेहरे को देखा जाता है और कहीं लगाव पूर्वक देखा जाता है तो वो चेहरा याद आता है कि नहीं आता है? वॉट द थिंग विच इज सीन थ्रू द आईज, द फेस विच इज सीन, एंड इफ इट इज सीन विद अटैचमेंट देन इज दैट फेस रिमेम्बर्ड और नॉट? जरूर याद आता है। इट इज डेफिनेटली रिमेम्बर्ड। लेकिन मैं ऐसा योग सिखाता हूँ जिसमें तुमको ये पक्की अवस्था प्राप्त करनी है कि इन आंखों से देखते हुए भी न देखो। बट आई टीच सच अ योग इन विच यू हैव टू अटेन दिस फर्म स्टेज इन विच यू शुड नॉट सी इवन वाइल सीइंग थ्रू दीज आईज। कानों से सुनते हुए भी न सुनो। यू शुड नॉट लिसन इवन वाइल लिसनिंग थ्रू द इयर्स। माने कोई भी इंद्रिय का रस है। इट मीन्स वेदर इट इज द प्लेजर ऑफ एनी इंद्रिया। ऐसे नहीं कि इंद्रियों से कर्म करना छोड़ देना है। इट इज नॉट दैट यू हैव टू स्टॉप परफॉर्मिंग एक्शंस थ्रू द इंद्रिया। इंद्रियों से कर्म करना है लेकिन इस विधि से कर्म करना है वो इंद्रियों का लगाव बाद में याद न आए। यू शुड सर्टेनली परफॉर्म एक्शंस थ्रू द इंद्रिया बट यू शुड परफॉर्म एक्शंस इन सच अ मैनर दैट द अटैचमेंट ऑफ द इंद्रिया शुड नॉट बी रिमेम्बर्ड लेटर। नहीं तो क्या होगा? अंत मते सो गति हो जाएगी। Otherwise, what will happen? It will be antmate so gati, meaning your final thoughts will lead you to your final destination. मान लो पुरुष चोला है, सारा जीवन स्त्री का संग करता है, तो अंत में उसे क्या याद आ जाता है? Suppose there is someone in a male body, he takes the company of a woman the entire life. So what does he remember at the end? स्त्री चोला याद, उसके अंग याद आ जाते हैं। He remembers the female body. He remembers her body parts. तो उसको फिर स्त्री का जन्म लेना पड़े। So
देन ही हैज टू बी बॉर्न एज अ फीमेल। मैं ऐसा कर्म सिखाता हूँ, ऐसी याद सिखाता हूँ और ऐसे की याद करना सिखाता हूँ जिसकी याद में रह करके तुमको कोई भी प्रकार का संकरंग नहीं लगेगा। आई टीच सच एक्शन, आई टीच सच रिमेम्बरेंस एंड आई टीच यू टू रिमेम्बर सच अ बीइंग दैट बाई रिमेम्बरिंग हिम यू वॉन्ट बी कलर्ड बाई एनी काइंड ऑफ कंपनी। कर्म दुनिया भी करती है और राजयोगी भी वो कर्म करते हैं। द वर्ल्ड वर्ल्डली पीपल परफॉर्म एक्शंस एंड द राजयोगीज ऑल्सो परफॉर्म दोज एक्शंस। लेकिन कर्म कर्म करने में मन बुद्धि का योग जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। बट द कनेक्शन ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट वर्क्स इन डिफरेंट वेज इन परफॉर्मिंग द एक्शंस। तुम मेरी याद में रह करके अगर कर्म करना सीखोगे तो उन कर्मों का लेप छेप तुमको नहीं लगेगा। इफ यू लर्न टू परफॉर्म एक्शंस इन माई रिमेम्बरेंस यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाई दोज एक्शंस। तो जो राजयोग सिखाते हैं वो खुद कहते हैं माम एकम याद करो। सो द वन हु टीचेस राजयोग हिमसेल्फ सेज रिमेम्बर मी अलोन। तो तुम्हारे पाप कर्म विपरीत कर्म भस्म हो जाएंगे। देन योर सिंफुल डीड्स रॉन्ग डीड्स विल बी बर्न टू एशेस। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। द रिलीजन ऑफ द पाथ ऑफ रिनंसिएशन निवृत्ति मार्ग इज वन थिंग। क्या सन्यासियों का जो धर्म है वो धर्म अलग है। वॉट द रिलीजन ऑफ द सन्यासीज इज वन थिंग। और बाप जो आकर के प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना सिखाते हैं, उन लक्ष्मी नारायण का धर्म अलग है। एंड द हाउस होल्ड पाथ प्रवृत्ति मार्ग दैट द फादर टीचर्स व्हेन ही कम्स द स्टडी टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन द रिलीजन ऑफ दोज लक्ष्मी नारायण इट इज डिफरेंट। लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी थे। लक्ष्मी नारायण वर ऑल्सो हाउस होल्डर्स। गृहस्थी थे लेकिन उनकी इंद्रियों का अटैचमेंट एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं था जो नीचे गिरे। दे वर हाउस होल्डर्स बट द अटैचमेंट ऑफ देयर इंद्रिया विद ईच अदर वॉज नॉट सच दैट दे वुड फॉल। कौन से नारायण की बात है? दिस इज अबाउट विच नारायण? जो संगमयुगी नारायण बनते हैं। द वन हु बिकम्स द कॉन्फ्लुएंस एज नारायण। डायरेक्ट परमात्मा बाप जिनको आकर के बनाते हैं वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की बात है। द वन हुम द सुप्रीम सोल फादर हिमसेल्फ मेक्स इन टू नारायण वेन ही कम्स इट इज अबाउट बिकमिंग दैट नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन। तो जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सिखावेंगे? सो दोज हु बिलोंग टू द पाथ ऑफ रिनंसिएशन हाउ विल दे टीच द नॉलेज ऑफ द हाउस होल्ड पाथ? निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी वो तो अलग हो जाते हैं। द सन्यासीज बिलोंगिंग टू द पाथ ऑफ रिनंसिएशन आइसोलेट देमसेल्व्स। घरगस्त को छोड़ देते हैं। दे रिनाउंस द हाउस होल्ड। घरगस्त के साथ है ही नहीं तो फिर इंद्रियों पर विजय पाने की बात कहाँ रह गई? व्हेन दे आर नॉट विद द हाउस होल्ड एट ऑल हाउ डज द क्वेश्चन टू गेन विक्ट्री ओवर द इंद्रियां अराइज? क्या कोई योद्धा हो और कहे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ऐसे ही विजयी हैं? वॉट इफ देर इज अ वॉरियर एंड ही सेज आई वोंट फाइट एनी वॉर आई एम अ विनर एनी वे। ये तो ऐसे ही बात हो गई जैसे कोई कैदी 10 साल जेल में रहे। दिस इज जस्ट लाइक द केस ऑफ अ प्रिजनर हु लिव्स इन जेल फॉर 10 ईयर्स और 10 साल जेल में रहने के बाद फिर बाहर आकर के डिंग मारे कि मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। एंड बोस्ट ऑन कमिंग आउट ऑफ जेल आई मेंटेन द प्लेज ऑफ सेलिबसी फॉर 10 ईयर्स। अरे वो तो मजबूरी हो गई। अरे दैट वॉज सर्टेनली कंपल्शन। ब्रह्मचर्य व्रत तो तुम्हारा नहीं। इट्स नॉट योर प्लेज ऑफ सेलिबसी। वो तो तब हो सकता है कि जब तुम्हारे सामने भोग मौजूद हो और फिर भी उस भोग को मन से बुद्धि से ग्रहण न करे। इट विल बी सेड यू मेंटेन द प्लेज व्हेन द प्लेजर भोग इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड इवन देन यू डोंट एक्सेप्ट इट थ्रू योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। ऐसी प्रैक्टिस पड़ी हुई हो। यू शुड हैव सच प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस ये अभ्यास बाप आकर के सिखाते हैं। सो द फादर कम्स एंड टीचर्स दिस प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। गीता में भी कहा गया है, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान
ये मन तो बड़ा प्रबल है. इट इज ऑल्सो सेड इन द गीता, अर्जुन टोल्ड गॉड, ओ गॉड, दिस माइंड सर्टेनली इज वेरी पावरफुल. कितना भी इसको कंट्रोल करो फिर भी ये इंद्रियों के भोगों में लिम्पायमान हो जाता है. हाउएवर मच आई कंट्रोल इट, इट बिकम्स अटैच्ड टू द प्लेजर्स ऑफ द इंद्रिया. तो क्या जवाब दिया? सो व्हाट आंसर डिड ही गिव? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. ही रिप्लाइड, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, मीनिंग इट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट टुवर्ड्स दिस आयन एज वर्ल्ड. अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो. प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. ऐसे नहीं कि कर्मधारा को छोड़ देना है, सन्यासी बन जाना है, नहीं. इट इज नॉट दैट यू हैव टू स्टॉप परफॉर्मिंग एक्शंस और दैट यू हैव टू बिकम अ सन्यासी, नो. कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही है, लेकिन इफ देर आर द कर्मेंद्रिया मीनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज टू परफॉर्म एक्शंस, द एक्शंस शुड डेफिनेटली बी परफॉर्म्ड थ्रू देम. बट कर्मधारा को छोड़ने की बात नहीं है. इट इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग टू परफॉर्म एक्शंस, लेकिन मन बुद्धि को उसमें लिम्पायमान नहीं करना है. बट यू शुड नॉट अटैच योर माइंड एंड इंटेलेक्ट टू इट. किस में लिम्पायमान करना है? यू हैव टू अटैच इट टू व्हाट? मन का तो काम है किसी न किसी में लगाव पूर्वक रहना. इन फैक्ट इट इज द वर्क ऑफ द माइंड टू रिमेन अटैच्ड टू दिस और दैट थिंग. तो किस में लगाए? सो इन व्हाट शुड यू एंगेज इट? ऐसे की याद में लगाएं जो कभी भी किसी में उलझ के नहीं रहता है. यू शुड एंगेज इट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द वन हु नेवर रिमेन्स एंटेंगल्ड इन एनीथिंग. भगवान बाप सुप्रीम सोल शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सब आत्माओं के साथ उनका कनेक्शन है. व्हेन गॉड द फादर द सुप्रीम सोल शिव कम्स टू दिस वर्ल्ड ही हैज अ कनेक्शन विद ऑल द सोल्स. जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब आकर के उनसे प्राप्ति करती हैं. ऑल द ह्यूमन सोल्स कम एंड अचीव अटेनमेंट्स थ्रू हिम. लेकिन किसी के साथ उनका लगाव नहीं होता. बट ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीवन. तो ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी ज्ञान कैसे सुनावेंगे? सो हाउ विल दीज सन्यासीज ऑफ द पाथ ऑफ रिनंसिएशन नरेट द नॉलेज? हर बात में ठगी ही ठगी है. देर इज चीटिंग एंड ओनली चीटिंग इन एवरीथिंग. झूठ ही झूठ लगा हुआ है. देर इज फॉल्सहुड एंड ओनली फॉल्सहुड. गाया भी जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार. इट इज ऑल्सो संग झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, मीनिंग माया इज फॉल्स, बॉडी इज फॉल्स एंड द एंटायर वर्ल्ड इज फॉल्स. किस समय की बात है? दिस टॉपिक पर्टेन्स टू विच टाइम? जब कलयुग के अंत में भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो ये सारी दुनिया झूठी हो जाती है. व्हेन गॉड द फादर कम्स टू दिस वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द आयन एज दिस एंटायर वर्ल्ड बिकम्स फॉल्स. एक भी सच्चा नहीं रहता. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन रिमेन्स ट्रू. जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है वो ही संसार में सच्चा होकर के दिखाता है अंत में. ओनली द वन हुम द सुप्रीम सोल फादर एंटर्स प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी ट्रू इन द वर्ल्ड एट द एंड. इसलिए उस एक की कथा गाई जाती है. दिस इज वाई द स्टोरी ऑफ दैट वन इज नरेटेड. क्या कथा है? व्हाट इज द स्टोरी? सत्यनारायण की कथा. द स्टोरी ऑफ सत्यनारायण द ट्रू नारायण. सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है. इट इज नॉट इवन द स्टोरी ऑफ सत्य लक्ष्मी द ट्रू लक्ष्मी. क्या? वॉट? वो लक्ष्मी भी सत्यनारायण के साथ है. दैट लक्ष्मी इज ऑल्सो अलॉन्ग विद सत्यनारायण. लेकिन उसकी भी कथा नहीं गाई जाती. कथा सिर्फ एक की गाई जाती. बट इवन हर स्टोरी इज नॉट नरेटेड. द स्टोरी ऑफ ओनली वन बीइंग इज नरेटेड. माने वो एक व्यापी होकर आता है, अनेक व्यापी होकर नहीं आता है. दिस मीन्स ही कम्स एज एक व्यापी, मीनिंग प्रेजेंट इन वन बीइंग. प्रेजेंट इन वन बीइंग. ही डज नॉट कम एज अनेक व्यापी, मीनिंग प्रेजेंट इन मेनी. इस समय ही गाया जाता है गॉड इज वन गॉड इज ट्रूथ. इट इज प्रेज्ड नाउ इटसेल्फ. गॉड इज वन गॉड इज ट्रूथ. क्या? भगवान बाप एक है. वॉट? देर इज वन गॉड द फादर.
और भगवान बाप जो एक है वो ही सच्चा है और बाकी सब सब झूठे हैं। एंड द वन गॉड द फादर हिमसेल्फ इज ट्रू एंड एवरीवन एल्स इज फॉल्स। और अंत में ये बात सच्ची साबित हो जाएगी क्या? एंड दिस टॉपिक विल बी प्रूव्ड टू बी ट्रू एट द एंड। व्हाट? जितने भी संबंध हैं वो सब झूठे हो जाएंगे। ऑल द रिलेशनशिप्स विल बिकम फॉल्स। नाना चाचा काका ताऊ मैटरनल ग्रैंडफादर फादर्स यंगर ब्रदर फादर्स एल्डर ब्रदर बहन भाई पति पत्नी सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ बाप बेटा सारे संबंध धोखा दे जाएंगे। फादर सन ऑल द रिलेशनशिप्स विल डिसीव यू। और एक बाप धोखा देने वाला नहीं होगा, सबके साथ निभाएगा। एंड द वन फादर विल नॉट बी द वन हु डिसीव्स यू, ही विल मेंटेन द रिलेशनशिप विद एवरीवन। इसलिए एक का गायन है सत्यनारायण के रूप में। दिस इज वाई देर इज द प्रेज ऑफ वन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ द ट्रू नारायण। अनेकों का गायन नहीं है। मेनी आर नॉट प्रेज्ड लाइक दिस। गॉड इज द ट्रूथ ये यहाँ की बात है, यहाँ का गायन है। गॉड इज ट्रूथ दिस सेइंग पर्टेन्स टू दिस टाइम, दिस सेइंग पर्टेन्स टू द प्रेजेंट टाइम। सत्य को में कोई नहीं कहेगा गॉड इज द ट्रूथ, क्यों? इन द गोल्डन एज नो वन विल से गॉड इज ट्रूथ। व्हाई? क्योंकि वहाँ भगवान बाप होता ही नहीं। इट इज बिकॉज गॉड द फादर डजंट एग्जिस्ट देयर एट ऑल। सत्युग स्थापन हुआ और सुप्रीम सोल वापस परमधाम चला जाता है। एज सून एज द गोल्डन एज इज एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम सोल गोज बैक टू द सुप्रीम अबोर्ड। जो जो बातें भक्ति मार्ग में कही जाती हैं, उन बातों को सत्युग में नहीं कहेंगे। All the things that are said in the path of bhakti will not be said in the golden age. यहाँ सब कहते हैं God Father is truth. Here everyone says God the Father is truth. बाप ही सच सुनाने वाले हैं. The Father alone is the one who narrates the truth. आत्मा को बाप की स्मृति आई है. The soul has gained the awareness of the Father. इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आ करके सच्ची सच्ची कथा सुनाओ. This is why we remember the father saying, "Come and narrate the true story to us." नर से नारायण बनने की ये कथा है। This is the story to become Narayan from a man. वो कथाएं तो सुनाते हैं। They do narrate the stories. पंडित लोग घर घर में जाकर के सच्ची कथा सुनाते हैं कि ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। The pandits they go to every house and relate the true story saying, "This is the true story of Satyanarayan." लेकिन जब चौपड़ी खोलते हैं सुनाते हैं तो किसकी कथा सुनाते हैं? बट वेन दे ओपन द बुक एंड नरेट द स्टोरी हू स्टोरी डू दे नरेट? लीलावती कलावती लकड़हारा की कथा सुनाते हैं। दे नरेट द स्टोरी ऑफ लीलावती कलावती एंड लकड़हारा मीनिंग वुड कटर। दीज आर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ सत्यनारायण हु डू भक्ति एंड आर लिबरेटेड फ्रॉम देयर सोरो। और असली कथा सत्यनारायण की क्या है वो बताते ही नहीं। बट दे डोंट नरेट वॉट द ट्रू स्टोरी ऑफ सत्यनारायण इज एट ऑल। इसका मतलब सत्य सत्यनारायण की कथा उनके पास नहीं है। दिस मीन्स दे डोंट हैव द ट्रू स्टोरी ऑफ सत्यनारायण। वो सच्ची सत्यनारायण की कथा खुद भगवान ही आकर के सुनाता है। गॉड हिमसेल्फ कम्स एंड नरेट्स दैट ट्रू स्टोरी ऑफ सत्यनारायण। सत्यनारायण बनने वाले चोले के द्वारा सुनाता है। ही नरेट्स इट थ्रू द बॉडी ऑफ द वन हु बिकम्स सत्यनारायण। और एक जन्म की कथा नहीं सुनाता है उसकी, कितने जन्मों की कथा सुनाता है? एंड ही डज नॉट नरेट द स्टोरी ऑफ हिज ओनली वन बर्थ। ऑफ हाउ मेनी बर्थ्स डज ही नरेट द स्टोरी? 84 जन्मों की कथा सुनाता है। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ 84 बर्थ्स। कि कैसे 84 जन्मों में जिस भारत में भगवान आते हैं वो भारत ही दुनिया का सरताज बनता है। हाउ इन 84 बर्थ्स द भारत इन होम गॉड कम्स becomes the crown that is sartaj of the world। और वो ही कलयुग के अंत में आकर के सारी दुनिया का मोहताज बन जाता है। एंड हाउ ही हिमसेल्फ बिकम्स द पुअरेस्ट दैट इज मोहताज इन द एंटायर वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द आयरन एज। एक एक का मुंह ताकना पड़ता है उसे। ही हैज टू गेज एट एवरीवन्स फेस। जैसे कहते हैं ना, क्या करें हमारी उंगली दबी हुई है।
just as it is said, isn't it? What can we do? We are under compulsion. Ungli dabna literally means the finger to be pressed. Hum kisi ko kuch keh nahi sakte. We can't say anything to anyone. तो ये सत्यनारायण की कथा मैं तुमको सुनाता हूँ. सो आई नरेट दिस स्टोरी ऑफ सत्यनारायण टू यू. सुबह का अमीर और शाम का फकीर. ही इज रिच इन द मॉर्निंग एंड बेगर इन द इवनिंग. आगे तो तुम ये सब झूठी कथाएं सुनते थे. अर्लियर यू यूज टू लिसन टू ऑल दीज फॉल्स स्टोरीज. अभी तुम सच्ची कथा सुनते हो. नाउ यू लिसन टू द ट्रू स्टोरी. और झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई आज तक नारायण तो नहीं बन सका. एंड बाई लिसनिंग टू द फॉल्स स्टोरीज नो वन हैज बीन एबल टू बिकम नारायण टिल टूडे. झूठी कथा सुनी तो नारायण कैसे बनेगा. हाउ विल समवन बिकम नारायण इफ ही लिसन टू द फॉल्स स्टोरीज. नारायण तो तभी बन सकता है जब सच्ची कथा सुनने को मिले. ही कैन बिकम नारायण ओनली वेन ही गेट्स टू लिसन टू द ट्रू स्टोरी. फिर सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है. Then how can it be the story of Satyanarayan when he doesn't become Narayan through it? वो तो झूठी हो गई. It is certainly a false story. मनुष्य किसी को नर से नारायण नहीं बना सकता. क्या? A human being cannot make anyone Narayan from a man. What? डॉक्टर बनाएंगे मनुष्य, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बनाएंगे. ह्यूमन बींग्स कैन मेक समवन अ डॉक्टर, अ टीचर, अ लॉयर, एन इंजीनियर, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. लेकिन नर से मनुष्य से देवता, नर से नारायण कोई नहीं बना सकता. बट नो वन कैन मेक अ मैन, अ ह्यूमन बींग इंटू अ डीटी, अ मैन इंटू नारायण. ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी भगवान बाप ही आकर के खोलते हैं. God the Father himself comes and opens this college, this university. कैसी? जिसमें मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं. What kind of a university? The university where the human beings are taught the knowledge to become a deity. बाप जाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं. The Father himself comes and makes us the masters of heaven. मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज खोलते हैं, उसमें क्या बनाते हैं? द नॉलेज विच इज टॉट बाय ह्यूमन बीइंग्स, द स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट दे ओपन, व्हाट डू दे मेक इन इट? भगवान तो आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनाते हैं. गॉड सर्टेनली कम्स, टीचर्स राजयोग एंड मेक्स अस किंग्स. देवताओं का भी राजा बनाते हैं. ही मेक्स अस द किंग ऑफ इवन द डीटीज. और मनुष्य क्या बनाते हैं? एंड व्हाट डू द ह्यूमन बीइंग्स मेक? चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे मास्टर बने. वेदर दे बिकम एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, अ टीचर. वो क्या कहे जावेंगे? नौकर कहे जावेंगे या राजा कहे जावेंगे? वॉट विल दे बी कॉल्ड? विल दे बी कॉल्ड सर्वेंट्स और किंग्स? वो सब क्या हुए? वो सब नौकर हो गए. वॉट आर ऑल ऑफ देम? दे ऑल आर सर्वेंट्स. वो दास दासी बनना सिखाते हैं. दे टीचर्स टू बिकम सर्वेंट्स एंड मेड्स. और मैं आकर तुमको राजाओं का राजा, और वो भी एक जन्म का नहीं. एंड आई कम एंड मेक यू द किंग ऑफ किंग्स, एंड दैट टू नॉट जस्ट फॉर वन बर्थ. हिस्ट्री में इतने जन्म जन्मांतर राजाएं हुए हैं. इन हिस्ट्री देर हैव बीन सो मेनी किंग्स फॉर बर्थ आफ्टर बर्थ. छोटे राजाएं हुए, बड़े राजाएं हुए. देर हैव बीन स्मॉल किंग्स, ग्रेट किंग्स. इन राजाओं को राजाई की शिफ्ट किसने सिखाई? Who taught them the quality of kingship? कब सिखाई? When were they taught? इन्होंने ये राजाई करना कहाँ से सीखा? From where did they learn to rule? ये ट्रेनिंग कहाँ से ली? कोई बतावे? From where did they take this training? Someone tell us. बाप कहते हैं किसी को पता नहीं. The father says, no one knows this. गीता में सिर्फ गायन है. क्या? It is just praised in the Gita. What? हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बने. ओ मैन अर्जुन, परफॉर्म सच एक्शंस सो दैट यू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन. और हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से नारायणी बने. एंड ओ वुमन द्रौपदी, परफॉर्म सच एक्शंस
सो दैट यू बिकम नारायणी फ्रॉम अ वुमन। वो गीता भी मनुष्यों की लिखी हुई। दैट गीता टू इज रिटन बाय ह्यूमन बीइंग्स। उस गीता को पढ़ते पढ़ते भी 2500 साल हो गए। एंड 2500 ईयर्स हैव पास्ड बाय रीडिंग दैट गीता। कोई नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी तो बना नहीं। बट नो वन बिकेम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन एट ऑल। अब मैं आकर के तुमको सच्चा गीता ज्ञान सुनाता हूँ। नाउ आई कम एंड नरेट द ट्रू नॉलेज ऑफ द गीता टू यू। जो भी धर्म पिताएं आए, ऑल द रिलीजियस फादर्स हु केम, उन्होंने आकर के कोई बाइबल नहीं सुनाई, कोई कुरान शरीफ नहीं सुनाई, कोई गुरु ग्रंथ साहब नहीं सुनाया। नीदर डिड दे नरेट द बाइबल, द कुरान शरीफ और द गुरु ग्रंथ साहिब, दैट इज द रिलीजियस बुक ऑफ द सिक्स। न लिखा। नॉट डिड दे राइट इट व्हेन दे केम। क्या? व्हाट? वो तो 200, 300, 400 साल के बाद लिखे जाते हैं ग्रंथ, जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। इन फैक्ट द ग्रंथ मीनिंग स्क्रिप्चर्स आर रिटन आफ्टर 200, 300, 400 ईयर्स व्हेन द नंबर ऑफ देयर फॉलोअर्स इंक्रीजेस अ लॉट। ऐसे ही मैं भी जब इस सृष्टि पर आता हूँ, सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ, तो जो गीता ज्ञान सुनाता हूँ वो मुख से ओरल सुनाता हूँ। इन द सेम वे व्हेन आई टू कम टू दिस वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिश द एंशियंट रिलीजन, देन द नॉलेज ऑफ द गीता दैट आई नरेट इट ओरली थ्रू द माउथ। लिखा हुआ नहीं सुनाता हूँ। आई डोंट नरेट व्हाट इज रिटन। कोई ग्रंथ नहीं बनाता हूँ। आई डोंट मेक एनी ग्रंथ। मुख से डायरेक्ट सुनाता हूँ। आई नरेट इट डायरेक्टली थ्रू द माउथ। और जो मुख से डायरेक्ट सुनते हैं सन्मुख बैठ करके, एंड दोज हु लिसन टू व्हाट इज सेड डायरेक्टली थ्रू द माउथ सिटिंग फेस टू फेस, वो ही नर से नारायण जैसे देवता बनते हैं। ओनली दे बिकम डीटीज लाइक नारायण फ्रॉम अ मैन। दूसरा कोई नर से नारायण जैसा देवता बन नहीं सकता। नो वन एल्स कैन बिकम अ डीटी लाइक नारायण फ्रॉम अ मैन। ऐसे नहीं कि मैं सुनाऊं और बाद में उसको टाइपराइटर में या कंप्यूटर में टाइप कर लिया जाए और वो फिर कोई बैठ करके सुने तो वो देवता बन जाएगा। नहीं, इट इज नॉट दैट आई नरेट द वाणी एंड लेटर ऑन इट इज टाइप्ड ऑन अ टाइपराइटर और कंप्यूटर एंड इफ समवन सिट्स एंड लिसन्स टू इट ही विल बिकम अ डीटी। नो, मेरे द्वारा जो पढ़ाई है वो डायरेक्ट जो सन्मुख बैठ करके सुनेंगे वो ही नर से नारायण जैसे बनेंगे। द नॉलेज दैट इज टॉट थ्रू मी, दोज हु लिसन डायरेक्टली सिटिंग फेस टू फेस, ओनली दे विल बिकम लाइक नारायण फ्रॉम अ मैन। तो बाप आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में। सो द फादर कम्स एंड मेक्स अस द मास्टर्स ऑफ हेवन, द फादर कम्स इन भारत इटसेल्फ। ये क्या बात हो गई? ये तो पार्शियलिटी हो गई। क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज सर्टेनली पार्शियलिटी। व्हाट? विदेशी लोग कहेंगे हमारे देश में क्यों नहीं आते, भारत में ही क्यों आते हैं? द फॉरिनर्स विल से व्हाई डजंट ही कम टू अवर कंट्री, व्हाई डज ही कम ओनली इन भारत। हैं? स्टूडेंट इट इज एन एंशियंट कंट्री। पुराना देश है तो? इट इज एन एंशियंट कंट्री सो व्हाट? और नए लोगों को गड्ढे में खोद के गाड़ देना क्या? एंड शुड वी डिग एंड बेरी द न्यू कंट्रीज इन अ डिच? भारत में इसलिए आते हैं कि भारत में पवित्रता को बहुत मान दिया जाता है। ही कम्स इन भारत बिकॉज प्यूरिटी इज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन भारत। यहाँ कन्याओं की जितनी सेफ्टी की जाती है इतनी दुनिया में किसी देश में दूसरे धर्म में कन्याओं की उतनी सेफ्टी नहीं की जाती। द वर्जिन्स आर नॉट सेफ गार्डेड इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इन एनी अदर रिलीजन एज मच एज दे आर सेफ गार्डेड हियर। यहाँ पवित्रता का बहुत मान है। हियर देर इज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस गिवन टू प्यूरिटी। कन्याओं की पूजा करते हैं। दे वर्शिप द वर्जिन्स। नवदुर्गा पूजन होता है उन दिनों में, किसकी? सन्यासी भी किसकी पूजा करते हैं। वेन द नवदुर्गा पूजन इज हेल्ड हुम डू इवन द सन्यासीज वर्शिप ड्यूरिंग दोज डेज। नवदुर्गा पूजन अ सेरेमनी वेन 9 फॉर्म्स ऑफ देवी दुर्गा आर वर्शिप्ड। सन्यासियों के सब पांव पूजते हैं और सन्यासी कन्याओं की पूजा करते हैं। एवरी वन वर्शिप्स द फीट ऑफ द सन्यासीज एंड वॉट अबाउट द सन्यासीज? दे वर्शिप द वर्जिन्स। क्या खासियत है उनमें? वॉट इज द स्पेशलिटी इन देम? दैट इज द वर्जिन्स।
क्योंकि उनमें पवित्रता का जो तेज भरा हुआ है उस पवित्रता के तेज को सन्यासी भी नमन करते हैं। द वर्जिन्स आर वर्शिप्ड बिकॉज दे आर फुल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ प्यूरिटी इवन द सन्यासीज बाउ बिफोर दैट स्ट्रेंथ ऑफ प्यूरिटी। तो मैं भारत में आता हूँ। सो आई कम इन भारत। परंतु कब आते हैं ये बात किसी को पता नहीं है। बट नो वन नोज वेन आई कम। कोई समझते नहीं है कि कब आते हैं। नो वन अंडरस्टैंड वेन आई कम। उन्होंने तो कह दिया सत्यु मैं भी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आया नरसिंह अवतार लेकर। दे हैव सेड ही केम इन द गोल्डन एज टू किल हिरण्यकश्यप एज द इनकारनेशन ऑफ नरसिंह। हिरण्यकश्यप अ डीमन ट्राइड मेनी टाइम्स टू किल हिज ओन सन प्रह्लाद बिकॉज ऑफ हिज इमेंस डेडिकेशन टू विष्णु। नरसिंह अ हाफ लायन एंड हाफ मैन इनकारनेशन ऑफ विष्णु। त्रेता में राम के रूप में आया रावण को मारने के लिए। ही केम इन द फॉर्म ऑफ राम टू किल रावण इन द सिल्वर एज। द्वापर में कृष्ण के रूप में आया कंस को मारने के लिए जरासिंधी को मारने के लिए। ही केम इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण टू किल कंस एंड जरासिंध इन द कॉपर एज। कंस एंड जरासिंध मीनिंग विलनस कैरेक्टर्स इन द एपिक महाभारत। कलयुग में कलंकी धर अवतार लेकर के आया। ही इनकारनेटेड इन द फॉर्म ऑफ कलंकी धर इन द आयरन एज। कलंकी धर द वन हु बेयर्स डिसग्रेस। अरे चार चार नहीं 24-24 अवतार बना दिए। अरे नॉट जस्ट फोर बट दे हैव शोन 24 इनकारनेशंस ऑफ गॉड। अरे मुझे बार बार आना पड़ता है क्या। अरे डू आई हैव टू कम अगेन एंड अगेन। दुनिया में बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं तो गड़गड़ी बनाते रहते हैं क्या। देर आर द फादर्स इन द वर्ल्ड वेन दे मेक अ हाउस फॉर देयर चिल्ड्रन डू दे मेक इट अगेन एंड अगेन। अरे मकान जब पुराना होता है तो नया मकान बनाते हैं। पुराने मकान से जब काम नहीं चलता तो बनाते हैं। अरे दे मेक अ न्यू हाउस वेन द हाउस बिकम्स ओल्ड वेन द ओल्ड हाउस इज ऑफ नो यूज दे बिल्ड अ न्यू वन। मैं भी तब आता हूँ जब ये षष्ठी रूपी मकान एकदम पुराना हो जाता है। आई ऑल्सो कम वेन दिस हाउस लाइक वर्ल्ड बिकम्स कम्प्लीटली ओल्ड। पुरानेपन की निशानी क्या। वॉट इज द साइन ऑफ ओल्डनेस। सब मनुष्य मात्र दुखी अनुभव करते हैं। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस सोरो। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सदाकाल अपने को तन से मन से धन से सदैव सुखी अनुभव करता हो। देर इज नॉट इवन अ सिंगल ह्यूमन बीइंग हु एक्सपीरियंसेस हिमसेल्फ टू बी हैप्पी थ्रू द बॉडी माइंड एंड वेल्थ फॉर एवर। कोई कहते हैं ऐसी तो कोई दुनिया होती नहीं जहाँ सदैव सुखी सुख हो और सब कोई सुखी हो। सम से देर इज नो सच वर्ल्ड वेयर देर इज हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस फॉर एवर एंड वेयर ऑल आर हैप्पी। अरे जब ऐसा टाइम हो सकता है कि सोजरा ही सोजरा हो सकता है दिन के दोपहर में। अरे व्हेन इट इज पॉसिबल दैट देर इज डे एंड ओनली डे इन द आफ्टरनून। तो ऐसा टाइम नहीं होगा कि अंधेरा ही अंधेरा हो। देन इजंट इट पॉसिबल दैट देर इज डार्कनेस एंड ओनली डार्कनेस एवरीवेयर। रात भी होती है तो दिन भी होता है। देर इज नाइट एज वेल एज डे। तो इस दुनिया में ऐसी भी दुनिया थी जहाँ सुखी ही सुख था दुख का नाम निशान नहीं था। सो इन दिस वर्ल्ड देर वॉज ऑल्सो सच अ वर्ल्ड वेयर हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस प्रिवेल्ड देर वॉजंट एनी नेम एंड ट्रेस ऑफ सोरो। और वो दुनिया भगवान बाप आकर के स्थापन करते एंड गॉड द फादर कम्स एंड एस्टैब्लिशेस दैट वर्ल्ड। इसलिए सारी दुनिया भगवान को याद करती है। दिस इज वाई द एंटायर वर्ल्ड रिमेम्बर्स गॉड। दूसरे धर्म वाले भी भगवान को याद करते हैं। Those belonging to the other religions also remember God. Christ को इब्राहिम को मोहम्मद को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं। They don't consider Christ, Abraham, Muhammad as God. फिर भी भगवान को अलग याद करते हैं। क्यों? Even so, they remember God separately. Why? क्योंकि उनमें भी मान्यता है। मुसलमान लोग जन्नत को मानते हैं। It is because they too have this belief. The Muslims believe in Jannat. Heaven. खुदा ने जन्नत बनाई। दे से गॉड दैट इज खुदा क्रिएटेड जन्नत। क्रिश्चियन लोग पैराडाइज को मानते हैं। द क्रिश्चियंस बिलीव इन पैराडाइज।
और जैनियों में 6 आर्य माने जाते हैं सृष्टि के. एंड अमंग द जैन्स दे बिलीव दैट देर आर 6 एजेस इन द वर्ल्ड. उनमें से पहले 3 आर्यों को वो स्वर्ग के मानिंद मानते हैं. एंड अमंग दोस एजेस दे कंसिडर द फर्स्ट 3 एजेस टू बी लाइक हेवन. मन हर धर्म में वो सुख की सृष्टि की मान्यता है, जो सुख की सृष्टि भगवान आकर के बनाता है. दैट मीन्स इन एवरी रिलीजन देर इज द बिलीफ ऑफ दैट वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस विच गॉड इस्टेब्लिशेस व्हेन ही कम्स. मनुष्य वो सुख की सृष्टि नहीं बना सकते. ह्यूमन बींग्स कैनॉट एस्टैब्लिश दैट वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस. ऐसी सुख की सृष्टि जहाँ सुखी ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता. सच अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस वेयर हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस प्रिवेल्स वेयर देर इज नो नेम एंड ट्रेस ऑफ सोरो. और 2500 साल तक. एंड दैट टू फॉर 2500 ईयर्स. आधा समय इस दुनिया में सुख और आधा समय इस दुनिया में दुख होता है. इन दिस वर्ल्ड देर इज हैप्पीनेस फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड देर इज सोरो फॉर हाफ ऑफ द टाइम. सुख कौन करता है और दुख कौन करता है? हु क्रिएट्स हैप्पीनेस एंड हु क्रिएट्स सोरो? है सुखदाता बाप आकर के सुख की दुनिया बनाते. द फादर द गिवर ऑफ हैप्पीनेस कम्स एंड इस्टेब्लिशेस द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस. और नर माना मनुष्य क्या करते हैं? एंड वॉट डू नर मीनिंग ह्यूमन बींग्स डू? नरक. नरक हेल. नर माना मनुष्य, का माना करने वाले. नर मीन्स ह्यूमन बींग, क मीन्स द वन हु डज. मनुष्य क्या करते हैं? नरक बनाते हैं. वॉट डू ह्यूमन बींग्स डू? दे क्रिएट हेल. आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, इतने बड़े बड़े प्लान, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं. टूडे सच बिग बिल्डिंग्स सच ग्रेट प्लान्स सच बिग प्रोजेक्ट्स आर बीइंग मेड. तो ये स्वर्ग बनने के लिए नहीं बन रहे? सो आर दे नॉट मेंट टू क्रिएट हेवन? स्टूडेंट नो. क्यों? व्हाई? स्टूडेंट इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. नहीं, वो बनाते किस लिए? नो. व्हाई डू दे मेक इट? इसीलिए तो बनाते हैं, सुख बढ़ जाए मनुष्य का, हम सब सुखी हो जाए. सो दैट द हैप्पीनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल ऑफ अस बिकम हैप्पी एंड ऑल ऑफ अस बिकम हैप्पी. लेकिन बनाते जाते हैं लेकिन दुख और ही ज्यादा बढ़ता जाता है. दे गो ऑन मेकिंग इट बट सोरो इंक्रीजेस इवन मोर. हॉस्पिटल कितने खुलते जाते हैं, डॉक्टर कितने बनते जाते हैं. सो मेनी हॉस्पिटल्स आर बिल्ट, सो मेनी पीपल बिकम डॉक्टर्स. दवाएं कितनी बनती जाती हैं, सो मेनी मेडिसिन आर मेड. और दवाओं को बनाने वाली कंपनियां कितनी तैयार होती जाती हैं. एंड सो मेनी कंपनीज टू मेक दोस मेडिसिन कम अप. लेकिन बीमारियां और ज्यादा खतरनाक बढ़ती चली जाती. बट द डेंजरस डिसीजेस इंक्रीज इवन मोर. इसका मतलब सही निदान किसी के पास नहीं है. दैट मीन्स नो वन हैज द राइट क्योर. तो भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कि असली निदान यह है कि तुम अपन को आत्मा समझो. सो गॉड द फादर कम्स एंड टीचेस दैट द राइट क्योर इज कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल. देह मत समझो. डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज अ बॉडी. ये हॉस्पिटल आदि देह की बीमारी अल्पकाल के लिए दूर करेंगे. दीज हॉस्पिटल्स एटसेट्रा विल क्योर द बॉडीली डिसीजेस टेम्पररीली. लेकिन आत्मा में जो बीमारी भरी हुई है उस बीमारी को कोई दूर नहीं करता है. बट नो वन क्योर्स द डिसीज दैट इज इन द सोल. कौन सी बीमारी है आत्मा की? विच इज द डिसीज ऑफ द सोल? स्टूडेंट्स द 5 वाइसेस. काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हर मनुष्य आत्मा में भरे हुए हैं. लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो. एवरी ह्यूमन सोल हैज दीज 5 वाइसेस. एक भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो छाती ठोक करके ये कह सके कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाम मात्र को नहीं. देर इज नॉट इवन अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड हु कैन से दिस बीइंग श्योर आई डोंट हैव लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो टू द स्लाइटेस्ट एक्सटेंट. बड़े से बड़ा सन्यासी भी ऐसे नहीं कह सकता. इवन द ग्रेटेस्ट सन्यासी कैनॉट से दिस. तो सारी दुनिया भिखारी है. सो द एंटायर वर्ल्ड इज विशियस. सारी दुनिया विकारों के कारण दुखी है.
द एंटायर वर्ल्ड इज सोरोफुल बिकॉज ऑफ द वाइसेस। तो ऐसे विकारियों को सुखी बनाने के लिए, निर्विकारी देवता बनाने के लिए, सो टू मेक सच विशियस वंस हैप्पी, टू मेक देम निर्विकारी दैट इज वाइसलेस डीटीज, जो देवताओं का गायन है क्या, जस्ट एज इट इज प्रेज्ड फॉर द डीटीज, वॉट सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, कम्प्लीट विद ऑल वर्च्यूज, कम्प्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, कम्प्लीटली नॉन वायलेंट, मर्यादा पुरुषोत्तम मीन्स बेस्ट अमंग ऑल द सोल्स इन फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, संपूर्ण निर्विकारी एंड कम्प्लीटली वाइसलेस। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत विकार रह जाएगा, नहीं, इट इज नॉट दैट द वाइसेस विल रिमेन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन देम, नो, संपूर्ण निर्विकारी आकर के बनाता हूँ, आई कम एंड मेक देम कम्प्लीटली वाइसलेस। कैसे बनाता हूँ, हाउ डू आई मेक देम लाइक दैट, सिर्फ बताता हूँ, अपन को आत्मा समझो, आई जस्ट टेल देम कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल, कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मेरा बाप ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है, सृष्टि पर मुकर्रर रूप में, कोई मुकर्रर रथ में आया हुआ है और राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है। थिंक दैट यू आर अ सोल द पॉइंट ऑफ लाइट एंड योर फादर शिव द पॉइंट ऑफ लाइट द सुप्रीम सोल हैज कम इन अ परमानेंट चैरियट इन अ परमानेंट वे इन दिस वर्ल्ड एंड इज टीचिंग द स्टडी ऑफ राजयोग। वो हमको नर से नारायण, नारायण से लक्ष्मी जैसा बनाए रहा है। ही इज मेकिंग यू लाइक नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लाइक लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन। इतनी बात अगर बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि से बैठ जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इफ दिस मच सिट्स इन द इंटेलेक्ट फर्मली देन वॉट विल बी इट्स रिजल्ट। निश्चय बुद्धि विजयते। द वन विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट गेन्स विक्ट्री। विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और विजय माला के मणके बन जाएंगे। यू विल गेन विक्ट्री ओवर द वाइसेस एंड विल बिकम द बीट्स ऑफ द विजय माला मीनिंग द रोजरी ऑफ विक्ट्री। दुनिया का कोई ऐसा धर्म है नास्तिक धर्म को छोड़ के जो माला न घुमाता हो। इज देयर एनी रिलीजन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट एथिज्म इन विच पीपल डोंट रोटेट द रोजरी। माला फिराता न हो। दे डोंट टर्न द रोजरी। हर धर्म में ये माला का इतना गायन क्यों है। वाई इज देयर सो मच प्रेज ऑफ दिस रोजरी इन एवरी रिलीजन। माला के जो मणके हैं वो आत्माओं की यादगार है। द बीट्स ऑफ द रोजरी आर द मेमोरियल ऑफ द सोल्स। उन आत्माओं ने भगवान बाप के सामने ऐसा रह करके पुरुषार्थ किया है कि वो नर से नारायण जैसे बने हैं नंबर वार। दोज सोल्स हैव मेड सच पुरुषार्थ स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ गॉड द फादर दैट दे हैव बिकम लाइक नारायण फ्रॉम मैन नंबर वाइज विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्पिरिचुअल एफर्ट। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं संसार के सामने नमन करने योग्य बनी है, पूजने योग्य बनी है। सच एलिवेटेड सोल्स हैव बिकम वर्दी टू हैव पीपल बाउ टू देम, वर्दी ऑफ बीइंग वर्शिप्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे भगवान बाप की पूजा होती है ऐसे उन मणकों की भी पूजा होने लगती है। जस्ट एज गॉड द फादर इज वर्शिप्ड दोज बीड्स आर ऑल्सो वर्शिप्ड। तो हर धर्म में वो मणके स्मरण किए जाते हैं, सिमरण किए जाते हैं। सो इन एवरी रिलीजन दोज बीड्स आर रिमेम्बर्ड चैंटेड। ऐसे नहीं कि हिंदुओं में ही माला सिमरी जाती है। इट इज नॉट दैट ओनली द हिंदूज रिमेम्बर द रोजरी। मुसलमानों में भी, बौद्धियों में भी, क्रिश्चियंस में भी माला सिमरी जाती है, सिख लोग भी माला सिमरण करते हैं। द मुस्लिम्स एज वेल एज द बुद्धिस्ट एंड द क्रिश्चियंस टू रिमेम्बर द रोजरी, द सिख्स टू रिमेम्बर द रोजरी। तो ऐसी माला के श्रेष्ठ मणके कौन बनाता है। सो हु मेक्स सच एलिवेटेड बीड्स ऑफ द रोजरी। मनुष्य नहीं बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स डोंट मेक देम। मनुष्य तो ऐसे झूठे टाइटल रखवा लेते हैं क्या। दे सिंपली कीप फॉल्स टाइटल्स फॉर देमसेल्व्स। व्हाट श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। वो टाइटल दरवाते हैं लेकिन झूठे टाइटल है। दे कीप टाइटल्स बट दे आर फॉल्स टाइटल्स। कहते हैं जगत गुरु। दे से जगत गुरु। सारा जगत उनको गुरु मानता है क्या। डज द एंटायर वर्ल्ड जगत
एक्सेप्ट देम टू बी द गुरु? अरे हिंदुस्तान में भी सारे उनको गुरु नहीं मानते। अरे इवन इन हिंदुस्तान नॉट एवरीवन एक्सेप्ट्स देम एज गुरुज। एक संप्रदाय मानेगा दूसरा संप्रदाय नहीं मानेगा। वन कम्युनिटी विल एक्सेप्ट देम एंड द अदर विल नॉट। तो झूठा टाइटल क्यों लगवाते हैं? सो व्हाई डू दे कीप फॉल्स टाइटल्स? ये तो भगवान का टाइटल है क्या? इट इज एक्चुअली द टाइटल ऑफ गॉड। व्हाट? श्री श्री 108 जगत गुरु। श्री श्री 108 जगत गुरु। सारे जगत का गुरु आकर के वो परमपिता परमात्मा स्वयं बनता है किसी एक मुकर्रर रथ के द्वारा। दैट सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल हिमसेल्फ कम्स एंड बिकम्स द गुरु ऑफ द एंटायर वर्ल्ड थ्रू वन परमानेंट चैरियट। उसको कहते हैं सदगुरु। ही इज कॉल्ड द सदगुरु। सदगुरु निराकार एक ओंकार उसको कहते हैं। ही इज कॉल्ड सदगुरु निराकार एक ओंकार मीनिंग द वन इनकॉर्पोरियल गॉड इज द सदगुरु। और किसी मनुष्य मात्र को नहीं कहते। ओम शांति। नो अदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड दिस। ओम शांति।